दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल एक और जहां लंबे वक्त से सिनेमाई दुनिया से दूर है, तो दूसरी ओर वो इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म गदर 2 को लेकर काफ़ी चर्चा में है। हालांकि इस बीच अमीषा एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफ़ी चर्चा में है। अमीषा पटेल के खिलाफ रांची की सिविल कोर्ट ने वारंट जारी कर दिया है और ये पूरा मामला चेक बाउंस और धोखाधड़ी से जुड़ा है। बता दें कि ये मामला नया नहीं है, जबकि पहले भी अमीषा पटेल इसको लेकर खबरों में आ चुकी है। वही इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने अमीषा या उसके वकील के तारीख पर नहीं पहुंचने पर नाराजगी भी जाहिर की है। वहीं अब इस केस की अगली तारीख 15 अप्रैल है और देखना होगा कि क्या इस बार अमीषा कोर्ट पहुंचती है या नहीं। दरअसल रांची के रहने वाले अजय कुमार ने अमीषा पटेल और उनके एक बिजनेसमैन पार्टनर के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। शिकायत के मुताबिक अजय ने अमीषा के कहने पर फिल्म देसी मैजिक के लिए एक्ट्रेस के खाते में 2.5 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए थे। फिल्म 2013 में शुरू होनी थी लेकिन आज तक नहीं हुई। इसके बाद जब अजय ने अपने पैसों की मांग की तो उन्हें लंबे वक्त का दिलासा दिया जाता रहा कि फिल्म शुरू होगी तो ब्याज के साथ पैसे वापस मिल जाएंगे। वहीं कई बार कहने के बाद जब अजय को अमीषा की ओर से 2 चेक दिए गए, अमीषा ने अजय को 2.5 करोड़ रुपये और 50 लाख रुपये का चेक दिया जो बाउंस हो गया। इसके बाद अजय ने अमीषा के खिलाफ कोर्ट में पहुंचे और केस दर्ज करवाया। जानकारी के मुताबिक एक्ट्रेस के खिलाफ CRPC की धारा 420 और 120 के तहत मामला दर्ज हुआ।